जी राजीव जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये जो तिलबिलाहट है, ये बड़ी अजीब किस्म की है। ये जो भावनाएं इनकी आ रही हैं, किस रूप में आ रही हैं, देखिए। एक पुराने मंत्री जो जा चुके हैं, वो लौटते हैं और कहते हैं कि ये वो लोग हैं, राहुल गांधी वो हैं जो उड़ी का हिसाब मांगते हैं, जो पुलवामा की गवाही चाहते हैं। तो ये विरोध जो है, ये बहुत पुराने तरीके हो गए हैं विरोध के। ये लोगों को अब कुछ बांध नहीं पाएंगे। पाकिस्तान की यात्रा कीजिए, पाकिस्तान को जोड़िए, पाकिस्तान चले जाइए। ये अगेन एक बहुत ही एक कमजोर जो है जवाब है इस यात्रा को, अगर आप कुछ वाकई कुछ कहना चाहते हैं तो। इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये यात्रा एक बड़े उद्देश्य के लिए है। और बड़ा उद्देश्य मैं राहुल गांधी को जोड़ने की वजह से नहीं कह रही हूँ, जो भारत में हालात हैं इन दिनों, उसको ध्यान में रखते हुए कह रही हूँ। आप परसों की घटना लीजिए, उज्जैन में आलिया भट्ट और रणबीर कपूर जो है दर्शन नहीं कर पाते हैं महाकाल के। क्यों? क्योंकि वहाँ जो है फ्रिंज एलिमेंट, या जो एक दल है बजरंग दल, वहाँ जो है वो पुराना बयान जारी कर देता है और ये वायरल हो जाता है, जिसमें उन्होंने कभी कहा था कि मुझे ये चीज़ें खाने में पसंद है, जिसमें रेड रेड मीट, पाए, बीफ आदि चीज़ें थी। तो ये जब वो वायरल होता है तो उनका जो है वो पुरजोर विरोध शुरू हो जाता है। दूसरा जो है, आप देखिए जो जो तरीके हैं, जो सत्ताधारी अब सांसद हैं, एक नवनीत राणा जी अमरावती से सांसद हैं बीजेपी की, महाराष्ट्र अमरावती, वहाँ वो एक बार फिर जो है वो लव जिहाद का मामले में जो है वो पुलिस के साथ जो है वो उलझती हुई देखी गई। वो भी वीडियो हम सब लोगों ने देखा, जिसमें उनका कहना है कि अब अमरावती में जो है इस तरह के मामले बढ़ रहे हैं लव जिहाद के, लड़कियों को जो है लड़के, और इस मामले में भी शायद जो रिसेंट जो वो कहना चाह रही हैं उसमें भी शायद एक लड़का है जो एक हिंदू लड़की को जो है वो शायद उसके साथ कुछ उनका रिश्ता रहा होगा, उसको लेकर इन्हें एतराज है। तो मैं ये कहना ये चाह रही हूँ कि आपको हर चीज पे एतराज है, आपको लोगों के पहनने पे एतराज है, लोग किससे शादी करें उस पे एतराज है, लोग क्या खाएं उस पे एतराज है, लोग क्या लिखें उस पे एतराज है। तो आप एक तरह से पूरे बुनियादी हकों का, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, उनके हनन में लगे हुए हैं। तो एक इतना बड़ा वैक्यूम है हम सब लोगों के लिए, जो जो एक प्लूरलिटी, भारत की विविधता में यकीन करते हैं। तो एक कोई भी यात्रा, ये राहुल गांधी की कांग्रेस की यात्रा है, लेकिन एक कोई भी यात्रा की ये एक बहुत जरूरत हमारे बीच अभी इस देश में अभी थी, जिसको शायद मुझे लगता है समर्थन मिलेगा। और ये जो जो आगे बढ़ेगी, लोगों की भावनाओं को बलवती करेगी, लोग जो अभी कमजोर पा रहे हैं खुद को, वो उनसे जुड़ेंगे। दूसरी बात, आपने सिविल सोसाइटीज की भी कही है राजीव जी, जब हम लोगों ने अपना जर्नलिज्म का करियर शुरू किया था भास्कर, दैनिक भास्कर से, हम लोग पूरी तरह से अपनी खबरों के लिए इन्हीं सोसाइटीज के जो हैं, एनजीओज के जो हैं, कर्ता धर्ताओं पर जो है वो जुड़े रहते थे इनसे, ताकि हमें एंटी एस्टेब्लिशमेंट, जो सत्ता है वो जो काम नहीं कर पा रही है, जो 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 लोगों की सहमति और लोगों की सहभागिता के साथ वो नहीं चल पा रही है, तो सिविल सोसाइटीज के लोग जो हैं, जो हमारी इसमें मदद किया करते थे और हमें सीधे सीधे कहेंगे वो हमारे एक बेहतरीन सोर्स हुआ करते थे, और वो हमारी खबरें जो है वो हेडलाइन बनती थी। तो ये सिविल सोसाइटी का रोल रहा है। और अब यही सिविल सोसाइटी जब खुद को नाकाम पाती है, असफल पाती है, तो उसको भी एक तलाश होती है एक बड़े प्लेटफॉर्म की, जहां जिस देश की कल्पना वो करते हैं, जिस एंटी एस्टेब्लिशमेंट को वो जो है वो आगे रखना चाहते हैं, वो बातें जो है उन्हें शायद उम्मीद होगी कि ये जो पार्टी है या ये जो यात्रा है उन्हें कहीं मदद कर सकती है। तो ये एक वाकई एक एक बड़ा परिवर्तन है, जिसमें सिविल सोसाइटी का किसी राजनीतिक दल को यूं समर्थन देना, तो मुझे लगता है ये बिल्कुल सही माहौल है। अगर ये नहीं होता तो बहुत कुछ खराब होने की संभावना या आशंका जो थी वो इस समय होती देश में। तो ये बहुत बेहतर हुआ है जो एक यात्रा ये निकली है। और थोड़ा सा मैं यात्रा के बारे में भी, जो मैंने कुछ दृश्य देखे उसके बारे में मैं कहना चाहूंगी। हम लोग दूरदर्शन देख के बड़े हुए हैं। 10-1 साल के थे जब दूरदर्शन हमारे हमारे परिवारों में और हमारे घर में टीवी आ गया था, तो उस समय जो है एक हम लोग सबको सुना करते थे, बिस्मिल्ला खान साहब शहनाई बजा रहे हैं, भीमसेन जोशी जी का हम क्लासिकल सुना करते थे, अमजद अली खान का सरोद, कुमार गंधर्व जी भी हमें सुनाई दे जाते थे। तो एक वो कानों में जो है दूरदर्शन के जरिए जो चीजें हमारे पड़ी हैं, वो फिर मुझे जो है श्री परम्बुदूर में परसों जो है वो दिखाई दिया, जिसमें फिर वही सब धुने जो है, वैष्णव जन तो तेणे कहिए रे, ये भजन हमने सुना, जो कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, इसकी तर्ज भी जो थी वहां थी। तो एक एक माहौल जो है, जो एक देश में जो है, एक हमारी जो उच्च परंपराएं हैं संगीत को लेकर, वो सब जो है हम वहाँ जो है देख पा रहे थे। और मुझे एक चीज और अच्छी लगी कि राहुल गांधी, मुझे लगा सुन के चले जाएंगे, लेकिन
राहुल गांधी उन कलाकारों के पास जो वो परफॉर्म कर रहे हैं वहां पे, उनके पास जाते हैं, उनका उनका अभिवादन करते हैं। तो मुझे लगता है कुछ ऐसे मूल्य जो हैं इस नई पीढ़ी को भी जो देखने और समझने होंगे, और उन्हें बताए अरसा हुआ ये सब चीजें उन्होंने नहीं देखी है, तो शायद ये यात्रा जो है सही समय पे हो रही है, नहीं तो एक क्रांति का आगाज जो है वो बहुत पूरा माहौल उसके लिए बन रहा था। जी राजीव जी, रविकांत जी किस रूप में देखते हैं, और खासकर